तो आपको एक बार सुपर शटल दिखाता हूँ जी, अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आगे चला जाएगा ना, और अगर उसी गियर में पीछे करेंगे, ठीक है जी, तो इसमें बैक गियर नहीं है, शटल ही लगा रखा है। किसी भी गियर में आप आगे पीछे ट्रैक्टर को कर सकते हो, ठीक है जी। 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, 12 स्पीड आगे की है और 12 ही जो स्पीड है वो पीछे की है, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, जो मैं आज आपको ट्रैक्टर दिखाने वाला हूं, मैसी फर्गुसन 244 GI डायना ट्रैक सीरीज का ट्रैक्टर है। और भाइयों, ये ट्रैक्टर की आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, मैं ये ट्रैक्टर ये मान के चलिए कि इस कैटेगरी का ट्रैक्टर है जिसमें छोटे पैकेट में बड़ा धमाका जिसे बोलते हैं वो वाली चीज है जी पूरी की पूरी। और इसमें इतने फीचर्स हैं जो कि अदर कंपनियों के, या मैं मैसी का भी अगर मैं कंपैरिजन करूं बड़े ट्रैक्टरों के मुकाबले में, जितने भी बड़े ट्रैक्टरों में फीचर्स होते हैं, हाईलो मीडियम का, पीटीओ के ऑप्शन का, प्लेनेटरी ड्राइव का, साइड शिफ्टिंग गियर का, सिंक्रो शटल का या सुपर शटल बोल देते हैं भाई, वो सारे जो फीचर्स हैं इस ट्रैक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये बहुत ही सही HP का ट्रैक्टर है। मैं सही HP का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं या अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, तो ये मान के चलिए कि 40 से 50 HP, यानी कि 45 HP मान लीजिए या 50 HP मान लीजिए, 40 HP मान लीजिए, ये जो कैटेगरी है पूरी अपनी, इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर है वो खरीदे जाते हैं, ठीक है जी। तो उसी HP रेंज का ये ट्रैक्टर है। और मैं जो फीचर्स की बात कर रहा था, ठीक है जी, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आजकल जो किसानों की एक चलन सा हो गया, चलन भी हो गया, और एक बात मैं ये भी कहूंगा कि भाई जरूरी भी हो गया, वो ये हो गया कि 4-व्हील ड्राइव, ज्यादातर जो अपने किसान भाई हैं अब 2-व्हील ड्राइव की जगह 4-व्हील पे जो है स्विच हो गए हैं। तो इसमें जो 4-व्हील लगा हुआ है अपना, वो बेबल गेयर टेक्नोलॉजी के साथ लगा हुआ है। देखो, फ्रंट एक्सल 2 टेक्नोलॉजी से बनते हैं जी। एक तो अपना आता है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक्सल होता है जो उनका, ठीक है जी। एक आता है बेबल गियर टेक्नोलॉजी से, जैसे कि ये वाला है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो ट्रैक्टर की कटाई बहुत होती है, जो इसका मेन रीजन होता है कि ये देखो, सब कंपनियां अपना अपना लगाती हैं, अपने अपने टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, लेकिन इस वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो अपना फ्रंट एक्सल है, इसकी कटाई बहुत ज्यादा होती है। इतनी कटाई फ्रंट अपना स्ट्रेट एक्सल वाले की होती नहीं, जो 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा कटाई वाले जो अपना फ्रंट एक्सल है वो लगाया गया है। उससे अगर मैं और दूसरी तरफ जाऊं, दूसरी तरफ ये है कि ये साइड शिफ्टिंग गियर के साथ और हाईलो मीडियम के साथ ट्रैक्टर है, ठीक है जी। इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर है, वो भी आपको पूरा दिखाता हूँ कि वो कैसे है, ठीक है जी। एक बार ऊपर बैठ के इसके फिर दिखाता हूँ जी आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये हाई लो मीडियम इधर हो गया, ठीक है जी। और इधर अपना हो गया जो अपने गियर्स है ना, 1, 2, 3, 4। और भैया साथ में जो है अपना, अब आप कहोगे कि इसमें रिवर्स गियर का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो भैया रिवर्स और फॉरवर्ड होगा जी ये शटल से, ठीक है। इसको सुपर शटल भी बोल देते हैं। और जिसमें जो ट्रैक्टर में सिंक्रो मैक्स गियर बॉक्स है, उसमें ये सिंक्रो शटल भी बोल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं कि पीटीओ की। देखो, मैसी की एक आपको खासियत बताऊंगा मैं, कुछ भाई इसको मानते भी हैं, कुछ भाई इसको मानते भी नहीं है। ये 44 HP का ट्रैक्टर है। अगर आपको मैसी ट्रैक्टर की पीटीओ HP का पता करना है, तो आपको जो इसकी इंजन HP है उसमें से 6 HP को घटा देना है, ठीक है। अगर मैं ये जैसे 44 HP का ट्रैक्टर है, अगर मैं इसकी 6 HP को घटाता हूँ, तो इसकी 38 HP बैठती है, तो 38 HP ये पीटीओ की निकाल लेगा। 241 का लगा लो, 1035 का लगा लो, 245 का लगा लो, 9500 का लगा लो, 9000 का लगा लो, जितने भी ये ट्रैक्टर हैं, ठीक है जी, जितने भी मैसी के जिसके मैंने नाम लिए हैं, ये ट्रैक्टर हैं, इसमें सभी में ही ऐसा है, जो इंजन की HP है उसमें से 6-6 HP माइनस कर दो और इनकी पीटीओ की जो HP है वो निकल के आ जाती है, ठीक है भाइयों। उसके बाद में जो मेन चीज है इसके टायर, तो भाइयों पिछले जो टायर हैं वो 13-6-28 के टायर हैं, और जो अगले अपने टायर हैं, अगले 8-18 के टायर हैं, ठीक है। कंपनी ने बकायदा बम्फर लगा के दिया है, और बम्फर देखने में आपको थोड़ा सा लगता होगा कि हल्का हल्का सा है,
हल्का नहीं है, कम से कम भी 80 से 85 किलो का जो है इसका बम्पर लगा हुआ है। और भाई उसके बाद में अगर मैं प्लेटफार्म की बात करूं, देखो बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी के साथ जो पूरा ऑपरेशनल एरिया है ट्रैक्टर का, पूरी ड्राइवर को जो पूरा कह सकते हैं कि पूरे आरामदायक जो बनाने के लिए भाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पायदान वगैरह भी ऊंचे कर दिए हैं, ठीक है जी। और फीचर से भरा हुआ ट्रैक्टर। अगर मैं पिछले हिस्से की बात करूँ इसका, पिछले हिस्से की दिखाता हूँ आपको मैं, तो पलेंट्री ड्राइव के साथ जो है ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी। ये ईपी साइक्लिक सिस्टम भी कह देते हैं, लेकिन जो मैसी कहता है पीडी के नाम से कहा जाता है जी, पलेंट्री ड्राइव कह लीजिए। तो पूरा आप एक बार इसके ट्यूब वगैरह चेक कर लीजिए, देखो ट्यूब वगैरह पूरी फुल हैवी और मोटी ट्यूब है, ठीक है जी। एडजस्टेबल इसकी जो है अपनी हुक है, जिसे एक बहुत बोलते हैं अपना, हिच बोलते हैं। और साथ में देखो एक चीज बड़ी अच्छी और कही है कि इसमें जो यहाँ पे चैन लगी हुई थी जैसे संकल बोलते थे, तो यहाँ पे देखो एडजस्टेबल का ही उसका स्टेबलाइजर यूज करेंगे यहाँ, देखो अच्छे वाले, ठीक है जी। ये रोटावेटर वाले जो किसान भाई हैं उन्हें वो ज्यादा जानते हैं कि भाई कितनी जरूरी चीज है ये, ठीक है भाई। और उसके बाद में अगर देखो आपको मैं दिखाऊं कि पूरा का पूरा अपना टूल बॉक्स वगैरह, डबल होजरी वाल या डबल डिस्ट्रीब्यूटर कह देते हैं, और अपना जो लिफ्ट के जो लीवर वगैरह है भाई, वो पूरे जो है ड्राइवर के पास लगा दिए, जिससे कि ड्राइवर को बिल्कुल भी जो थकान वगैरह की जो महसूस ना हो, ठीक है भाई। और इंजन वही मैं अपना सिम्पसन का इंजन जो है मैसी यूज करता है। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये फिल्टर की बात करूँ, तो भाइयों ये 3-in-1 फिल्टर है, ठीक है जी। डीजल भी यही साफ करेगा अच्छे तरीके से पूरा, और उसके बाद में भाइयों जो पानी वगैरह है अपना वो भी ये एजेंसी अलग कर देगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और एक बार फ्रंट एक्सल देख लीजिए आप पूरा का पूरा, जहाँ से फोर व्हील ड्राइव की जो आती है जी, रोड आती है पूरी, ये देख लीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है जी, मैसी ने इस तरीके से रोड लगाई है बिल्कुल लाइन बॉडी लाइन से बिल्कुल चिपका के, ठीक है जी। नीचे से दिखा देता हूँ एक बार आप, और फुल्ली कवर्ड है, पूरी की पूरी जो है ये कवर्ड है, ठीक है जी। और भाई इसके साथ का ये एक और ट्रैक्टर है स्वराज कंपनी का, जो 843 के नाम से आया है, वो भी 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। उसमें भी स्वराज ने अपना पूरा कह सकते हैं कि भाई पूरे जान झोंक रखी है उस ट्रैक्टर में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर बिके। तो उसी HP कैटेगरी का जो है मैसी ने ये ट्रैक्टर निकाला है, ठीक है जी। तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। बाकी इसके जो छोटे मोटे फीचर्स हैं, फीचर्स बहुत है ट्रैक्टर में, ठीक है जी, काफ़ी फीचर्स हैं पूरे। यहाँ से देख लीजिए एक बार आप पूरा, ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो खुला दुल्ला ट्रैक्टर है पूरा, देखो जैसे मेरी ना दोस्तों पूरी 6 फीट की हाइट है, तो मेरे जो घुटने हैं देखो यहाँ पे काफ़ी जगह अभी बच गई है, अभी सीट और पीछे हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देख लीजिए, चेक कर लीजिए पूरा, 1800 पे 540 निकाल लेगा, ठीक है जी। ये देख लो आप, और सामने से देख सकते हो, और शटल के साथ जो है ट्रैक्टर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चला के भी दिखा देता हूँ।